पहली बात तो ये कि ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता, हम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के नुमाइंदे हैं, जो उन्हीं की दया से या उन्हीं के इशारे से हम कोई काम कर पाते हैं। हम वहाँ पे उस दिन भी अमरनाथ यात्रा से लौट रहे थे और प्रभु के दर्शन के बाद में हमारी फ़्लाइट जो थी वो डिले हो गई थी। अब वो क्यों डिले हुई, इसका रीज़न भगवान ही जानता है। हम लोगों की फ़्लाइट दिल्ली से करीबन 2.5 घंटे डिलेट थी, श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, और दिल्ली वाली फ़्लाइट 2.5 घंटे डिलेट थी, इसीलिए हम वहाँ पे फूड कोर्ट एरिया में अवेलेबल थे उस टाइम। और जो फूड कोर्ट एरिया में जिस स्टॉल पे हम थे उसके पास वाली स्टॉल पे एक वृद्ध सज्जन सज्जन थे जो कि अचानक से गिर गए और हम उस तरफ भागे। मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे डॉक्टर रमाकांत गोयल, और जब हम वहाँ पहुँचे तो एक डॉक्टर दंपत्ति भी वहीं पे थे, डॉक्टर उमेश बंसल जो कि जयपुर से हैं, महावीर कैंसर हॉस्पिटल, और उनकी वाइफ डॉक्टर डॉली बंसल। हम चारों लोगों ने मिलकर जब देखा तो वो बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव थे, उनका श्वसन रुक गया था, उनकी धड़कन बिल्कुल बंद हो गई थी, पल्स बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, वो नीला पड़ना शुरू हो गए थे। तो तुरंत ही हमने वहाँ CPR शुरू किया और करीबन 5 मिनट के बाद में उनको थोड़ा सा वो रिस्पॉन्सिव हुए, थोड़ा सा सांस वगैरह स्टार्ट हुई, उनकी पल्स थोड़ी थोड़ी सी महसूस होनी शुरू हो गई थी। हमने CPR कंटिन्यू किया, उनको सबलिंगुअल सॉर्बिट्रेट जो कि डॉली मैम के पास अवेलेबल थी हमने वो दी उनको, और थोड़ी देर में वो थोड़े से स्टेबल हो गए, उनकी पल्स थोड़ी सी बेटर हुई। इसी दौरान जो एयरपोर्ट का स्टाफ था उसको भी कॉल किया गया, एयरपोर्ट का पर्सनल जो स्टाफ था वो वहाँ पे आना शुरू हो गया, उनके पास में कुछ पल्स ऑक्सीमीटर ग्लूकोमीटर वगैरह थे, तो हमने जब चेक किया तो उनकी पल्स और सैचुरेशन बेटर था। उनका फ़ोन अंकल के पास था जो कि स्क्रीन लॉक था, उसको हमने जब वो रिस्पॉन्सिव हुए तो उसका स्क्रीन लॉक खोला, उनकी वाइफ को फ़ोन किया उन्होंने वहाँ से, और उनकी वाइफ कहीं और थे, वो जब वहाँ आए तो उनको लेके एयरपोर्ट पर्सनल वहाँ से फिर चले गए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल, और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।